अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें हमारी परसेंटेज चैप्टर की कॉपी वर्किंग कंप्लीट हो गई थी। अब आ जाते हैं हम बुक वर्किंग की तरफ। हमारा चैप्टर है परसेंटेज, अब हम इसकी बुक वर्किंग करेंगे। अच्छा, पेज नंबर है 112, क्वेश्चन नंबर है 1। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। हमारे पास दो सवाल दिए हुए, इसको सिर्फ सिंपल करना क्या है, परसेंटेज में करना है। मैंने आप लोगों को सबसे पहला जो कॉपी का क्वेश्चन करवाया था वो किस तरह था, 48 out of 100। यानी अगर मैं बोलूँ 48 out of 100 तो हम कैसे करेंगे, 48 ऊपर 100 नीचे। इसी तरह करते हैं, 48 ऊपर हो जाएगा और 100 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर में 100 शो हो जाता है तो ऊपर वाले नंबर के साथ सिंपल हम लोग किसका साइन लगा देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। सिंपल इसी तरह है 97 out of 100। सही, 97 out of 100 यानी 100 में से कितने, 97। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 है, जब डिनोमिनेटर में 100 आएगा तो सिंपली 97 के साथ किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ईच स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, व्हाट परसेंटेज ईच स्क्वायर इज शेडेड। अच्छा, दोनों बॉक्सेस में ना टोटल मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स दिए हुए, मुझे बस इतना बताना है कि कितने पार्ट्स शेडेड हैं। यानी मुझे ये कलर पार्ट है ना, कलर पार्ट दोनों के काउंट करके लिखने हैं कि टोटल कितने कलर पार्ट है। अच्छा, डायरेक्ट मैंने देखे परसेंटेज इसलिए लगी हुई है क्योंकि टोटल 100 है जिसमें से कितने कलर्ड पार्ट हैं, 48। तो ऑब्वियसली 100 out of 48 है ना, यानी टोटल 100 है। जब टोटल हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, और जो कलर्ड पार्ट होते हैं वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, सही, शेडेड पार्ट। तो टोटल कितने, 100 है, उसमें 48 हमारे पास कलर्ड है, तो इसलिए 48 क्या है, परसेंटेज है। सेम इसी तरह इसमें क्या है, 100 में से टोटल कितने शेडेड, 79। अच्छा, ये जो हाफ और हाफ हुआ है ना, तो इसको मिला के 1 पार्ट बनेगा, समझ आई। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर वर 100 बैलून्स एट अ फन फेयर। एक फन फेयर में टोटल कितने बैलून्स हैं, 100। इफ 52 ऑफ देम वर ग्रीन, अगर उस 100 बैलून्स में से 52 ग्रीन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बैलून और एट द फन फेयर वर नॉट ग्रीन। मुझे बताना है उसमें से कितने बैलून ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है। टोटल 100 है, 100 में से 52 को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल माइनस, आप लोगों को माइनस करना तो आता है। जब 100 में से 52 ग्रीन थे ना, तो 100 में से 52 गए, बाकी जो अमाउंट बचा वो कौन से बैलून्स हैं जो ग्रीन नहीं है। अब मैंने अगेन परसेंटेज में क्यों शो करा, क्योंकि 100 टोटल कितने, 100, और जब 100 की बात आ जाती है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल 100 है, तो हम किसके साथ शो करेंगे, परसेंटेज के साइन के साथ शो करेंगे इसको। 48% बैलून ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, कैन वी से दैट 5% ऑफ दिस स्क्वायर इज शेडेड सर्किल द करेक्ट आंसर। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें से जो 5% है वो शेडेड है, 5% शेडेड है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, सही है, 5 बॉक्स शेडेड है, सही है, 5%, मेरी बात गौर से सुनिएगा, 5% शेडेड जब कहलाएगा, जब डिनोमिनेटर, जब टोटल 100 होगा, क्या होगा, 100। अगर 100 में से 5 होते ना, अगर बॉक्सेस मेरे पास टोटल बॉक्सेस 100 होते और उसमें से 5 शेडेड होते ना, तो मैं कह सकती थी कि 5% शेडेड है। लेकिन अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अभी तो मेरे पास 25 है ना, 25 में से 5 शेडेड है, तो अभी ये 5% नहीं होगा। अगर 100 में से कहा जाता, अगर 100 में से 5 शेडेड होते ना, तो मैं कह सकती थी 5% शेडेड है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, नो। अब आ जाते हैं पेज नंबर 120, सर्कल द ग्रेटर वैल्यू। अच्छा, मैंने आप लोगों को कॉपी में अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा चुकी हूँ, सही। तो मैंने आप लोगों को उसमें सिंपल अब परसेंटेज को भी डेसिमल में लेकर आई थी, फ्रैक्शन को भी डेसिमल में लेकर आई थी, सही है, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके बस इस पर सर्कल करना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, सही। ये है 37%, ये है 0.3, सही। अगर मैं 37 को पॉइंट में लेकर आऊँगी तो ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा, 0.37, और ये है 0.3, तो बड़ी कौन सी हुई, 37 बड़ी हुई। सेम इसी तरह अगर मैं इसको भी चेंज करूँगी फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 समथिंग आएगा, और 0.62, तो ऑब्वियसली 62 क्या है, बड़ी है। अब आ जाते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच फिगर इज शेडेड। मुझे बताना है कितना परसेंट इस फिगर का शेडेड है। अच्छा, मैंने अभी बताया था टोटल कहाँ आता है, नीचे, और जितना शेडेड है वो कहाँ आता है, ऊपर। तो मैंने क्या लिखा, 2/2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों कर रही हूँ, मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए, 2/2 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन 2/2 कैसे है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2, और इसमें से कलर्ड पार्ट भी है 2, तो 2/2 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन 2 के से 2 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, तो 100 1 100, टोटल कितना परसेंटेज आया, 100% आया।
अब आ जाते हैं इसके बी पार्ट पे, काउंट करेंगे टोटल पार्ट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल पार्ट्स कितने नीचे, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं 10 टोटल पार्ट्स हैं, मैंने डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया, और कलर्ड कितने हैं 9 पार्ट्स हैं, एक पार्ट कलर्ड नहीं है। अगेन बोलूँ 10 कहाँ से आया, टोटल पार्ट्स 10 है और कलर्ड पार्ट 9 है, तो 9/10 हो गया। मल्टीप्लाई का 100 क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में। अच्छा, 10 का एक जीरो 100 के एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, डिनोमिनेटर के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 10 9 से मल्टीपल होगा, 10 9 जा 90। सिंपल ये बुक वर्किंग है दो पेज की, 112 और 120। यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।